टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है A83 और आज हम बात करने वाले हैं इसी फ़ोन के बारे में कि क्या कमाल की चीज़ें लेके आता है ये फ़ोन, क्या रहेगा इसका प्राइस, क्या आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गवी, आपका फेलो, और आज हम बात करने वाले हैं इसी ओप्पो A83 के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें फ़ोन के लुक एंड फील की, तो यार लुक तो अच्छा है, इतना ख़राब भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली फ़ोन जो है वो बेजललेस स्क्रीन के साथ आता है। तो यहाँ पे जो 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो है वो हो गया यहाँ पे मेंटेन। तो फ़ोन की जो लुक एंड फील है वो यहाँ पे प्रीमियम है। लेकिन अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में यहाँ पे, तो दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाता है 5.7 इंच का HD डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन रहेगा आपको 720x1440p। उसके बाद दोस्तों प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है MT6763 का MediaTek का प्रोसेसर, जो कि क्लॉक्ड है 2.5 GHz पे। दोस्तों यहाँ पे रैम मिल जाता है आपको 4 GB का, और रोम की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है 32 GB का, 32 GB का, और वो एक्सपेंड हो सकता है अप टू 256 GB तक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा के। तो यहाँ पे देखिए रैम और रोम में ज्यादा वेरियंट देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे फोटोग्राफी सेक्शन में, तो आपको यहाँ पे रियर कैमरा मिल जाता है 13 MP का, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है फुल HDR का। उसके साथ ही यहाँ पे दोस्तों LED फ्लैश भी मिल जाता है आपको। बात करें दोस्तों वहीं पे फ्रंट फेसिंग कैमरे की, तो वहाँ पे आपको मिल जाता है 8 MP का कैमरा, जिसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है AI ब्यूटी मोड। तो बेसिकली इस फोन की USP भी है कि यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया है वो यूज किया गया है ब्यूटी मोड के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो फोटोग्राफी है सेल्फी वाली, मतलब आप बदसूरत हो आप खूबसूरत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस फोन को। वैसे भी ओप्पो और वीवो की एक खासियत रही है, वो किसी को भी कितना भी सुंदर बना देते हैं। तो उनकी कैमरे में पता नहीं ऐसी क्या टेक्नोलॉजी होती है, और बेसिकली यहाँ पे तो AI टेक्नोलॉजी है, तो वो समझ जाएगी कि आपको कितनी खूबसूरती चाहिए। तो आपको यहाँ पे कोई भी फेयर एंड लवली या कोई भी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप सेल्फी लो और बस आप खूबसूरत हो जाओगे यहाँ पे। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे कैमरे की एक खासियत और है, ये कैमरा यहाँ पे फेस अनलॉकिंग सिस्टम लेके आता है। मतलब कि जो फेस अनलॉकिंग आपको ओप्पो वीवो के बहुत सारी सीरीज में देखने को मिलता है, उसी लेवल का फेस अनलॉकिंग इसमें भी आता है। हालांकि आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो आप सैमसंग की सीरीज के साथ या फिर आप एप्पल की सीरीज के साथ, अगर हम बात करें फेस स्कैनिंग की, क्योंकि वहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है दोनों टोटली डिफरेंट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको फेस अनलॉकिंग का फीचर मिलता है, मतलब जब आपके हाथ गीले हो या आपके हाथ फ्री नहीं है तब भी आप फोन को ऑपरेट करना चाहते हो तो आप अपने फेस के थ्रू फोन को अनलॉक कर सकते हो यहाँ पे। दोस्तों कनेक्टिविटी में यहाँ पे मिल जाता है आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट, वाईफाई मिलता ही है, ब्लूटूथ 4.2 मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मिलता है वो मिलता है आपको लेटेस्ट वाला नहीं मिलता है, एंड्रॉइड 7.1 मिल जाता है नॉगट का, जो कि कस्टमाइज है इनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम OS 3.2 के अकॉर्डिंग। बात करें दोस्तों यहाँ पे बैटरी की, तो वो मिल जाती है आपको 3180 mAh की, जो कि क्लेम करती है कि आपको 13 से 14 घंटे तक का बैटरी बैकअप देगी अगर आप फोन को रेगुलरली यूज करते रहोगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैंने बात करी थी शुरू में कि जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे मिड रेंज है, लेकिन बैटरी के लिए वो काफी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। तो यहाँ पे जो बैटरी का क्लेम है कुछ हद तक वो ठीक हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एग्जैक्टली आपको 14 घंटे का बैकअप देगा, लेकिन बात करें बैटरी की तो दोस्तों कुछ हद तक मेरे ख्याल से बैटरी ठीक आने वाली है। उसके साथ दोस्तों इस फोन के लिए बस इतनी ही चीजें हैं बताने को, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इस फोन के अंदर। तो अगर बात करें दोस्तों ओपिनियन की या ओवरऑल एनालिसिस की, तो ये जो फोन है दोस्तों ये मिल जाता है आपको 13,990 रुपए का, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 14,000 रुपए का फोन है। और अगर हम बात करें मार्केट में 14,000 में क्या चल रहा है, तो मेरे हिसाब से जो चीजें आपको बाकी स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है MI की, ओप्पो के, वीवो के, दोस्तों लगभग वही चीजें आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर भी देखने को मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से तो फोन दोस्तों अफोर्डेबल रेंज में है, मिड रेंज के अंदर आता है, और वो सारी बेसिक चीजें लेके आता है जो आपको बाकी अदर वेरिएंट या अदर ब्रांड में देखने को मिलता है। उसके साथ दोस्तों बात करें यहाँ पे ओपिनियन की इस फोन के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखो स्क्रीन आपको HD मिल जाती है, ठीक ठाक स्क्रीन है, 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है, प्रोसेसर मिड रेंज है, मतलब कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी है, बेसिक गेमिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टीमीडिया यूजर्स के लिए प्रोसेसर काफी है, रैम भी ठीक है दोस्तों 3 GB है, रोम 32 GB है, 64 GB हो सकता था इस प्राइस में, लेकिन ठीक है आप एक्सपेंड कर सकते हो एनी डे उसको। कैमरा दोस्तों एज यूजुअल है जो सब में देखने को मिलता है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हालांकि इन्होंने जो AI टेक्नोलॉजी यूज करी है वो देखनी होगी कि कितनी एक्सलेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से तो वो इतनी कुछ एक्सलेंस लेके नहीं आने वाली है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये AI टेक्नोलॉजी, AR टेक्नोलॉजी, ये सब बस कहने की बात होती है। यहाँ पे जो फोटोग्राफी है ना वो बस उसमें क्या कुछ एडिशनल फिल्टर आ जाते हैं, कुछ ब्यूटी मोड आ जाता है, उससे आपकी जो फोटो है वो इनहेंस हो जाती है। उसके बाद बैटरी यहाँ पे मिड रेंज की है, मतलब 5000 mAh की नहीं है अगर हम बात करें Xiaomi की सीरीज से या MI की सीरीज से, बट ठीक ठाक है 3800 है, और प्रोसेसर ठीक है, तो दोनों की कॉम्पेटिबिलिटी यहाँ पे अच्छी बैठेगी। और तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक सेंसर है, और हाँ आपको
फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, उसके साथ ही आपको फेस अनलॉकिंग फीचर भी मिलता है। तो दोस्तों ओवरऑल मिला के फोन ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप ये फोन चाहते हो, ये सारे फीचर चाहते हो, आपको एक बेसिक सा फोन चाहिए जिसके अंदर सारी बेसिक से चीजें हो मिड रेंज की मिड ऊपर लेवल की, तो ये फोन काफी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो के लिए और इस फोन के लिए बस इतना ही। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ बताने को नहीं है इस फोन के बारे में, लेकिन आपके पास अगर कोई क्वेरी है इस फोन को लेके, आपके क्या ओपिनियन है इस फोन को लेके, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना। उसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो मेरे लिए है मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा ऐसे ही। और दोस्तों आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।